नमस्कार, मैं वैभव कुलश्रेष्ठ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूं। स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया बुक की समरी की लेक्चर सीरीज़ में ये सेकंड लेक्चर है। ये कुछ हमारे पेड कोर्सेज हैं जो आपके यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल हो सकते हैं। आप दिए हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इनकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। इस पर आपको स्टडी मटेरियल, वीडियो नोटिफिकेशन और जो भी आवश्यक गाइडेंस होगी वो सारी इस पे प्राप्त होगी। तो चलिए आरंभ करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्केस्ट। ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति क्या थी? 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में एक नया युग आरंभ होता है जिसे उत्तरोत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। मुगल साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास की एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जिस घटना के पश्चात मध्यकालीन भारत का अंत हो जाता है और आधुनिक भारत की नींव पड़ती है। औरंगजेब के एम्पायर का यह मैप दिया हुआ है, ये लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में फैला हुआ है, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के साथ साथ उसका साम्राज्य सिकुड़कर 250x100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का एक रेक्टेंगुलर एरिया बसता है जो उस पर मुगल शासन बसता है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तरवर्ती मुगलों को क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा उसको अगर देखते हैं तो उसमें पाते हैं कि फारस का शासक नादिर शाह 1738-39 में भारत पर हमला करता है और वो लाहौर को जीत लेता है। 13 फरवरी 1739 को करनाल में मुग़ल सेना को पराजित करता है, दिल्ली को ध्वस्त करता है और तत्कालीन मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह उसको बंदी बना लेता है और यहाँ से मयूर सिंह हसन कोहिनूर हीरा के साथ साथ 70 करोड़ रुपए लूट के लेके जाता है। और वो 70 करोड़ रुपए इतना अधिक था उस ज़माने में कि उसने इस लूट से खुश होकर अपने फारस के नागरिकों को आने वाले 3 वर्षों तक के लिए कर से छूट प्रदान कर दी। नादिर शाह के पश्चात अहमद शाह अब्दाली ने अफ़गानिस्तान पर अपना शासन कायम किया और 1748 से 1767 के बीच कई बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। 1757 में जब अंग्रेज प्लासी के युद्ध में विजय थे तब उसने दिल्ली पर आधिपत्य जमा लिया और मुग़ल बादशाह पर नज़र रखने के लिए उसने एक अफ़गानी केयर टेकर पीछे छोड़ दिया। 1761 में उसने मराठाओं पर एक महत्वपूर्ण विजय हासिल करी और वो कौन सा युद्ध था? पानीपत का तृतीय युद्ध। अब बात करते हैं कि मुग़लों के पतन के क्या कारण थे। सबसे पहला कारण, उत्तराधिकार का कोई भी एक निश्चित कानून नहीं था जिसके कारण उत्तराधिकार को लेकर सदैव युद्ध होते रहते थे और इससे सरकार के स्थायित्व कमज़ोर होता था। दूसरा कारण था औरंगजेब की धार्मिक नीति, इसके कारण राजपूत, सिख, जाट और मराठे नाराज हो गए और उन्होंने मुग़लों के खिलाफ विद्रोह किया। तीसरा है औरंगजेब की दक्कन नीति जो कि पूर्णतः असफल रही जिसके कारण एक भारी मात्रा में धन और जन की हानि हुई। दक्कनी सैन्य अभियान में औरंगजेब इतना व्यस्त हो गया कि वह उत्तर भारत की ओर ध्यान ही नहीं दे पाया और यही आगे चलकर मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण बना। इसके साथ साथ मुग़लों की सरकार वैयक्तिक रूप से निरंकुश थी, इसके सफलता शासन करने वाले निरंकुश शासक के चरित्र पर निर्भर करती थी। औरंगजेब के बाद के मुग़ल शासक प्रभावहीन थे, राज्य के प्रशासन की वो उपेक्षा करते थे, वो अपने में बिजी रहते थे। किसी को साहेब बेखबर की उपाधि दी गई क्योंकि वो राजकीय शासन प्रशासन से बेखबर रहते थे। कुछ रंगीला उपाधि प्राप्त करते हैं, कुछ सिर्फ़ और सिर्फ शायरी में मशगूल रहते थे। इसके कारण उत्तरवर्ती मुग़लों का अपनी सत्ता पर शासन कायम नहीं रह पाया।
साथ ही निरंतर युद्ध, कृषि में विकास की गति का स्थिर होना, व्यापार और उद्योग में ह्रास, ये आर्थिक पतन का कारण बना। इसके साथ ही साम्राज्य की सीमाएं बहुत ही व्यापक थीं, इसे कमज़ोर शासकों द्वारा संभालना मुश्किल हो गया। ईरानी दुर्रानी साम्राज्यों के आक्रमण ने भी मुग़ल साम्राज्य को ध्वस्त करने में योगदान किया। और सबसे मेन और सबसे आखिरी, यूरोपीय शक्तियों का आगमन, जिन्होंने भारत में व्याप्त दशाओं का लाभ उठाया और मुग़ल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया को और भी तेज़ी प्रदान की। अब बात करते हैं औरंगज़ेब के बाद के मुग़ल शासकों की। तो ये उत्तरवर्ती मुग़ल 1707 से 1857 तक का इनका शासन रहा। इसमें बहादुर शाह प्रथम, दो बहादुर शाह हुए, एक बहादुर शाह प्रथम और एक अंतिम बहादुर शाह द्वितीय, जो बहादुर शाह जफर के नाम से जाने जाते थे। तो बहादुर शाह प्रथम का शासन 1707 से 1712 के अवधि में रहता है। इनको शाहे बेखबर की उपाधि दी गई। इनका वास्तविक नाम था मुअज्जम, ये औरंगज़ेब के सबसे बड़े सुपुत्र थे और ये गुरु गोविंद सिंह से इनके मित्रवत संबंध थे और इन्होंने बंदा बहादुर से संघर्ष आरंभ किया, जजिया कर के दरों में कमी की। ये कुल मिला के औरंगज़ेब के अपोजिट थे, लेकिन शासन प्रशासन से ये बेखबर रहते थे, इसलिए इनको साहे बेखबर की उपाधि दी गई। इसके बाद जहांदार शाह आते हैं 1712 से 1713, इनको लंपट मूर्ख की उपाधि दी गई। इनके समय में ईरानी मूल के वज़ीर जुल्फिकार खां का प्रभुत्व था और इसने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से जुल्फिकार खां ने जागीरों और ओहदों की अंधाधुंध बंटवारे पर रोक लगाया। इसको इजरा सिस्टम कहा गया, इजरा प्रथा। तीसरे हैं फरुखसियर 1713 से 1719, इनको घृणित कायर की उपाधि दी गई। हिंदुस्तानी समूह के सैयद बंधुओं ने इन्हें शासक बनाया, लेकिन बाद में जब इसने उन्हें हटाना चाहा तो इसकी हत्या करवा दी गई। सैयद बंधुओं को राजा बनाने की उपाधि, राजा बनाने वाले की उपाधि दी गई और फरुखसियर ने बंदा बहादुर को मौत की सज़ा दी। और फरुखसियर ही वह मुग़ल शासक थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गोल्डन चार्टर दिया, गोल्डन फरमान दिया। इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, इनका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर, उपाधि थी रंगीला। इनके समय में तुर्रानी समूह के निज़ामुल मुल्क को चिंकलिस खां भी उनका नाम कहीं मिलता है और इन्होंने ही, ये निज़ामुल मुल्क ने बाद में जाके हैदराबाद में अपना हैदराबाद साम्राज्य बसाया। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला तुर्रानी समूह के निज़ामुल मुल्क की मदद से शासक बने। इन्होंने उर्दू भाषा को प्रभावी रूप से संरक्षण दिया और फूल वालों की सैर नामक महोत्सव को भी इन्होंने आरंभ कराया। इसके बाद आते हैं शाह आलम द्वितीय, 1803 में अंग्रेज़ों ने पहली बार लॉर्ड लेक के नेतृत्व में लाल किले पर इन्हीं के शासनकाल में झंडा फहराया और ऑक्टर लोनी को लाल किले में पहला ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया। इसके बाद अकबर द्वितीय आते हैं, राजा राम मोहन राय को हम आगे सोशल रिफॉर्म्स में पढ़ेंगे। तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाले मुग़ल शासक अकबर द्वितीय थे, जिनका कार्यकाल 1806 से 1837 था। इसके बाद आते हैं बहादुर शाह द्वितीय, ये जफर नाम से शायरी लिखते थे और ये अंतिम मुग़ल शासक थे। इनकी मज़ार रंगून में है। अब बात करते हैं कि तत्कालीन समाज में सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या थी। तो सबसे पहले कृषि की बात की जाए तो कृषि ये लगभग स्थिर थी, तकनीकी रूप से पिछड़ी हुई थी। किसान राज्य और जमींदारों को कर अदा करते थे और जमींदार राज्य को राजस्व का भुगतान करते थे।
व्यापार और उद्योग की बात करें तो उसमें कपड़ा उद्योग, जहाज़ निर्माण उद्योग, धातु उद्योग और कॉटन इंडस्ट्री, कच्चा सूती उद्योग, हार्डवेयर, नील, मसाले, अफीम, इन सभी चीज़ों का निर्यात किया जाता था, इनके प्रोडक्ट का निर्यात किया जाता था। और आयात करने वाली वस्तुएं थीं सोना, कस्तूरी, ऊनी कपड़े, तांबा, लोहा, मोती, शीशा, खजूर, कॉफ़ी, चाय। साथ ही मुग़ल साम्राज्य में महत्वपूर्ण कपड़ा उद्योग केंद्र थे ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद, अहमदाबाद और बड़ौच। शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा यहाँ पे पारंपरिक थी, पश्चिम की शिक्षा के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। प्राथमिक शिक्षा पाठशाला या मदरसों में दी जाती थी, जबकि यहाँ पे साहित्य, दर्शन शास्त्र, विधि, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। समाज की बात करते हैं तो समाज यहाँ पारंपरिक था, लोगों को जाति, धर्म, जनजाति, भाषा में विभाजित किया गया था। हिंदू धर्म में चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसी क्रम में वो अपनी जाति के आधार पर ही उनका पेशा भी निर्धारित होता था। इसी प्रकार मुसलमान भी आपस में विभाजित थे। समाज में महिलाओं की स्थिति, समाज चूँकि पितृसत्तात्मक था इसलिए महिलाओं को बेहद न्यून वैयक्तिकता हासिल थी। सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह जैसी शोषक सामाजिक प्रथाएं और परंपराएं महिलाओं की प्रगति में बाधा डालती थीं। हिंदू विधवा महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। दहेज जैसी बुरी प्रथा विशेष रूप से बंगाल और राजपूताना प्रांत में व्यापक थी। इसके बाद भारत में गुलामी भी थी, व्यापक रूप से दासत्व प्रथा विद्यमान थी। आर्थिक तनाव, प्राकृतिक आपदाएं, अत्यधिक गरीबी के कारण लोगों को अपनी संतान को दास के रूप में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर की अगर बात करते हैं तो आसफ़-उद-दौला ने लखनऊ का इमामबाड़ा बनाया। बेसिकली जब दिल्ली में कला, स्थापत्य और साहित्य के संरक्षण के अभाव में जो संबद्ध प्रतिभाएं थीं वो हैदराबाद, लखनऊ, मुर्शिदाबाद, जयपुर और भी कई जगह नए राज्यों की ओर वो अपने संरक्षण पाने के लिए बढ़ गईं, तो जो लखनऊ पहुंचा उसने आसफ़-उद-दौला को प्रेरित किया लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनाने में। जो जयपुर पहुंचे उन्होंने सवाई जयसिंह को गुलाबी शहर की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया। जयपुर सिटी की स्थापना हुई, उन्होंने सवाई जयसिंह को प्रेरित किया। और सवाई जयसिंह चूँकि वो विज्ञान के काफ़ी समर्थक थे इसलिए उन्होंने 5 खगोलीय वेधशालाओं का भी निर्माण कराया, जो क्रमशः दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस और उज्जैन में स्थापित हुई। कांगड़ा और राजपूताना पेंटिंग उस वक्त की काफ़ी फेमस हुई। उत्तर भारत में उर्दू भाषा का विकास हुआ, जिसमें विशेष रूप से योगदान किसका था, मीर, सौदा, नाजिर और मिर्ज़ा गालिब का। इसके साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास होना आरंभ हुआ, हिंदी, तमिल भाषा और भी बाकी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। मुग़लों के पतन के पश्चात मुग़लों का जो साम्राज्य था वो टूट टूट के अलग अलग राज्यों में बटा, तो कुछ क्षेत्रीय शक्तियाँ उसमें उद्घटित हुई जिसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक है सक्सेसर स्टेट्स, उत्तराधिकारी राज्य जैसे हैदराबाद, अवध, बंगाल, ये मुग़ल साम्राज्य के आधिपत्य से छूट गए और स्वतंत्र राज्यों की इन्होंने स्थापना की। इन राज्यों ने औपचारिक तौर पर मुग़ल साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का त्याग नहीं किया लेकिन पूरी स्वायत्तता का निर्वहन किया, और इस प्रकार से मुग़ल संस्थागत ढांचे के भीतर एक नवीन राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हुआ। दूसरे हैं इंडिपेंडेंट किंगडम, स्वतंत्र राज्य। ये मुग़ल साम्राज्य के विघटन से लाभ उठाकर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में लग गए। इन्होंने निरंतर विस्तार की नीति का अनुसरण किया, जैसे मैसूर, केरल, राजपूत। तीसरे हैं नवीन राज्य, न्यू स्टेट, और इनकी स्थापना की गई
मराठा, जाट, सिख विद्रोहियों द्वारा जो मुगलों के खिलाफ खड़े हो गए, जिन्होंने मुगलों का विरोध किया। ये वो राज्य हैं जो बाद में मुगल शासन साम्राज्य से टूटकर अपने अलग अलग अस्तित्व को उन्होंने पहल दी। सबसे पहला है हैदराबाद। 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना निज़ामुल मुल्क चिंगलिस खान के द्वारा की गई, और दिल्ली में 1722 से 1724 के बीच वजीर के रूप में एक छोटे से कार्यकाल के बाद निज़ामुल मुल्क एक राज्य की स्थापना करने के लिए दक्कन आया, जो व्यवहार में स्वतंत्र हो, और उसने निरंतर मुग़ल सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा की। इसके बाद आता है अवध। सआदत खां या बुरहान उल मुल्क ने 1722 में अवध के गवर्नर के रूप में नियुक्ति हुई, और इसी के साथ साथ उसने धीरे धीरे अवध की स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता की। अवध में मुख्य समस्या थी जमींदारों के द्वारा कि वो भू राजस्व देने से मना कर रहे थे, और वो चाहते थे कि वो अपने किला और सेना के स्वायत्त मुखिया की तरह व्यवहार करें, लेकिन सआदत खान ने उन्हें दबा दिया और एक नवीन भूमि बंदोबस्त शुरू किया, जिसने किसानों को जमींदारों के शोषण से सुरक्षा प्रदान की। तीसरा राज्य है बंगाल। बंगाल को स्वायत्त रूप से स्थापित किया सबसे पहले मुर्शिद कुली खान ने, और जिसके बाद शुजाउद्दीन, अली वर्दी खां, सरफराज खां, ये सारे शासक उस पर हुए। चौथा है राजपूत। अजीत सिंह, जय सिंह, दुर्गादास राठौर, इन सभी लोगों ने अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया, और चूंकि ये औरंगजेब की धार्मिक नीतियों से ये रुष्ट हो चुके थे, इसलिए इन्होंने अब अपना ध्यान अपने साम्राज्य, अपने राजपूती साम्राज्य को बढ़ाने में लगाया। मैसूर, जो जिस पे वड्डेयार वंश का शासन था, उस पे बाद में वहाँ के सेनापति हैदर अली द्वारा शासन कर लिया जाता है। केरल में कोचीन, त्रावणकोर और कालीकट को मिलाकर वर्तमान केरल राज्य का निर्माण किया गया। राजा मार्तंड वर्मा ने इस साम्राज्य को बनाया, और उसने पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित शक्तिशाली और आधुनिक सेना की मदद से अपने राज्य का विस्तार किया। जाट साम्राज्य की बात करें तो ये जाट कृषक दिल्ली, मथुरा, आगरा के आसपास रहते थे। ये औरंगजेब की अत्याचारपूर्ण नीतियों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया। शुरुआती असफलताओं के बाद भी चूड़ामन और बदन सिंह ने भरतपुर जाट साम्राज्य की स्थापना की, और इनका सबसे ताकतवर नेता या शासक कहें तो वो थे सूरजमल, जिसके नेतृत्व में जाट शक्ति अपने सर्वोच्च शिखर पर जा पहुँची। सिख साम्राज्य के लिए गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को उनके धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए एक आक्रामक पंथ में रूपांतरित किया। एक शक्तिशाली और सुदृढ़ सिख राज्य की स्थापना करने का श्रेय रंजीत सिंह को जाता है, और ये सुकरचकिया मिसल के सरदार थे। रंजीत सिंह का जो साम्राज्य था वो सतलुज से लेकर झेलम तक का फैला हुआ था। 1799 में इन्होंने लाहौर पर और 1802 में अमृतसर पर विजय प्राप्त की। मराठा पेशवाओं की नेतृत्व में मराठा शक्ति का उदय हुआ, और पानीपत के तीसरे युद्ध से इनकी सत्ता शून्य की ओर अग्रसरित हुई। रोहिलखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे अली मोहम्मद खान, जो कि एक बंगस पठान थे। बंगस पठान जब अफ़गानिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हुई 18वीं शताब्दी के मध्य में, तो कई सारे अफ़गानी भारत में आए, यहाँ पे निवास करने लगे, तो वो एरिया रोहिलखंड का था, उनको नाम दिया गया बंगस पठान, और उनमें एक व्यक्ति अली मोहम्मद खान था जिसने रोहिलखंड की स्थापना की, और यह क्षेत्र हिमालय के गिरपीठ में उत्तर में कुमायूं और दक्षिण में गंगा के मैदान में अवस्थित था। लास्ट है इसमें फरुखाबाद, जो कि मोहम्मद खान बंगस द्वारा ही स्थापित किया गया, ये भी एक बंगस पठान थे।
इसके अलावा जो ये सभी रीजनल किंगडम्स स्थापित हुए, इन्होंने मुग़लों का केंद्रीकृत प्रशासन को डिसेंट्रलाइज कर दिया, विकेंद्रीकृत कर दिया। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि ब्रिटिश शक्ति का किस तरीके से भारत में विस्तार होता है और किस तरीके से संपूर्ण भारत पे ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य हो जाता है। इसी क्रम में सबसे पहले एक प्रश्न उठता है कि क्या ब्रिटिश की भारत विजय संयोगवश थी या उनकी इच्छा थी। तो एक जॉन सीले के नेतृत्व वाला समूह कहता है कि ब्रिटिश की जो भारत विजय है वो गैर इरादतन और संयोगवश है, मात्र एक संयोग है। और वो ब्रिटिश जितने भी थे वो सारे व्यापार करने के लिए आए थे, क्षेत्र पर कब्जा तो करना ही नहीं चाहते थे। वे न चाहते हुए भी भारतीयों द्वारा स्वयं उत्पन्न किए गए राजनीतिक संकट में फंस गए और भारतीय भूक्षेत्रों को कब्जा करने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा। बेचारे कितने भोले भाले थे, मासूम थे। जबकि दूसरे जो समूह हैं, जो निश्चित ही भारतीय इतिहासकार होंगे, उनका मानना था कि अंग्रेज भारत में एक व्यापक और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना के लिए आए और इसके लिए एक सुनियोजित रणनीति और योजना बनाई और धीरे धीरे साल दर साल उन्होंने इस पर काम किया। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में स्थापित होती है और 1608 ईस्वी में भारत में यहाँ परमिशन लेने के लिए एक अंग्रेज जहांगीर के दरबार में पहुँचता है, लेकिन तत्कालीन कई शासकों और मुग़ल शासकों को किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पराजित करके पूरे भारतवर्ष पे अपना आधिपत्य जमा लेती है, तो इसके पीछे क्या कारण थे, तो सबसे पहले वो फैक्टर्स देखते हैं। तो पहला है उनके उत्कृष्ट हथियार। उनके पास जो यूरोपीय बंदूकें और तोपें थीं वो भारतीय बंदूकें, भारतीय शस्त्र तोपों से कहीं ज़्यादा उत्तम थी। यूरोपीय पैदल सेना भारतीय अश्वारोही सेना की तुलना में 3 गुना अधिक तेज़ी से प्रहार कर सकती थी। दूसरा है सैन्य अनुशासन। अंग्रेज़ों के सैन्य अनुशासन को उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। वेतन के नियमित भुगतान की व्यवस्था थी, तो जब सैलरी कंटिन्यूस मिल रही है तो लूट मार नहीं करेंगे। अनुशासन की कड़ी व्यवस्था ऐसे साधन थे जिसके माध्यम से कंपनी ने अपने अधिकारियों और सैनिकों की सत्य निष्ठा को सुनिश्चित किया। तीसरा है असैनिक अनुशासन, सिविल डिसिप्लिन। कंपनी के अधिकारियों और सैनिकों का असैनिक अनुशासन ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। उन्हें उनकी विश्वसनीयता और कौशल के आधार पर जॉब दी जाती थी, न कि उनकी जाति या व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर। मेधावी नेतृत्व, प्रतिभाशाली नेतृत्व जो अंग्रेज़ों के पास भरा पड़ा था, जैसे क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, अल्फिंस्टन, मुनरो, डलहौजी, इनके पास नेतृत्व के दुर्लभ गुण थे। इनके पास जो द्वितीय श्रेणी के नेता थे जैसे सर आयरकूट, लॉर्ड लेक, वेलेजली, उनके पास भी नेतृत्व के गुण थे और वो सभी अपने देश की प्रतिष्ठा के लिए काम करते थे। जबकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी प्रतिभाशाली नेतृत्व था, जैसे हैदर अली, टीपू सुल्तान, चिंकलिस खान, माधवराव सिंधिया, जसवंत राव होलकर, लेकिन इनके साथ द्वितीय पंक्ति के जो प्रशिक्षित कार्मिक होने चाहिए वो नहीं थे। और सबसे बुरी बात ये थी कि भारतीय नेतृत्व एक दूसरे के खिलाफ कंटिन्यूस लड़ते रहते थे। वो निजी और राजवंशी उन्नयन के प्रयास में लगे रहते थे। उनके अंदर भारत के लिए एकता, अखंडता के लिए संघर्ष और युद्ध भावना की अभिप्रेरणा तो थी ही नहीं। पांचवा कारण है वित्तीय सुदृढ़ता। अंग्रेज़ वित्तीय रूप से बहुत ही मजबूत थे क्योंकि कंपनी ने कभी भी अपना मेन काम
जो कि व्यापार और वाणिज्य का था, उसको कभी भी कम नहीं होने दिया। और कंपनी की आय इतनी पर्याप्त थी कि उसने न केवल अपने अंशधारी को अच्छा लाभांश दिया, बल्कि भारत में अंग्रेज़ों द्वारा लड़े गए युद्धों का वित्तीयन भी किया। 1853 में भारत में जो रेलवे का विकास किया गया, तो उसने अपने यहाँ के इन्वेस्टर को इनवाइट किया कि आप हमारे इस प्रोजेक्ट में, भारत में रेलवे की स्थापना के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको 5% का प्रॉफिट देंगे। जबकि उनके लिए रेलवे के बनाना, रेलवे की स्थापना करना एक घाटे का सौदा था, फिर भी वो प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर्स को दे रहे थे। किस तरीके से दे रहे होंगे, आखिर यहाँ से लूट खसोट करके जो भी लेके जाते थे वो सारा कुछ इन्वेस्टर्स को देना और अपने देश को देना था। इसके साथ साथ लास्ट फैक्टर आता है राष्ट्रवादी अभिमान, नेशनल प्राइड। इन सबसे ऊपर आर्थिक रूप से अग्रसर ब्रिटिश लोग भौतिक उन्नयन में विश्वास रखते थे और वो अपने राष्ट्रीय गौरव पर अभिमान करते थे, जबकि कमज़ोर, विभाजित और स्वार्थी भारतीय अज्ञानता और धार्मिक पिछड़ेपन में डूबे हुए थे। उनमें अखंड राजनीतिक राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। अब आते हैं अंग्रेज़ों की बंगाल विजय। तो मुग़ल शासन के अधीन बंगाल एक सूबा था और बंगाल के नवाब इस पर शासन करते थे। 18वीं सदी में बंगाल से यूरोप को निरंतर कच्चे उत्पाद जैसे शोरा, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम इत्यादि सामान का निर्यात होता था। तो इस जब मुग़ल शासन काल का सबसे आखिरी शासक, अर्थात अगर हम बात करें औरंगज़ेब की, तो उनकी मृत्यु होती है तो उसके पश्चात बंगाल का उदय होता है। बंगाल को एक स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, और ऐसा प्रयास किया जाता है सबसे पहले मुर्शीद कुली खां के द्वारा। वो मुग़ल शासन को नजराना देता रहता है और कृषि विकास के लिए उसने मुग़ल व्यवस्था को ही स्वीकारा। उसने इजारेदारी, जो एक ठेकेदारी व्यवस्था का ही नाम है, उसको अपनाया और इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करी। मुर्शीद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन नवाब बना, जिसके समय बिहार को बंगाल में शामिल किया गया 1733 में। इसके बाद सरफराज खां नवाब बने, जिसे अली वर्दी खां ने घेरिया के युद्ध में हराया। और इसके बाद अली वर्दी खां के समय से ही बंगाल की वास्तविक स्वायत्तता आरंभ होती है। उसने मुग़ल साम्राज्य को नजराना देने में भारी कटौती करी और अली वर्दी का संघर्ष मराठों से हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों के बारे में वो सचेत था। वो जानता था कि अंग्रेज़ बहुत ही चालू चीज़ हैं, और अंग्रेज़ों के बारे में उसका प्रसिद्ध कथन था कि अंग्रेज़ मधुमक्खी के छत्ते की भांति हैं। अली वर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला नवाब बनता है, और सिराजुद्दौला के नवाब बनने से दरबार के अधिकांश प्रभावी लोग असंतुष्ट हो जाते हैं। सिराज के विरुद्ध एक समूह बन जाता है और उसमें मीर जाफ़र, जो उसका सेनापति था, इनकी बुआ घसीटई बेगम, जगत सेठ, राय दुर्लभ और भी लोग इसमें शामिल थे। सिराज ने जब अंग्रेज़ों को कलकत्ते की किलेबंदी करने से मना किया और अंग्रेज़ों ने इसकी अवहेलना की, तो वहाँ आक्रमण करके सिराज ने उसे जीत लिया। मद्रास से जब क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना बंगाल आई, तो विवश होकर सिराज को फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि करनी पड़ी। अंग्रेज़ों के द्वारा किलेबंदी को स्वीकारना पड़ा, जिसके लिए वो पहले मना कर रहा था। जून 1757 में उचित अवसर देखकर क्लाइव ने प्लासी के युद्ध की नींव रख दी। प्लासी का युद्ध वास्तव में एक युद्ध ना होकर एक छोटी सी झड़प मात्र थी। के एम पणिक्कर एक इतिहासकार हैं, जिनका कथन है कि प्लासी का युद्ध एक युद्ध ना होकर एक सौदा मात्र था। इसके बाद बंगाल के नवाब अंग्रेज़ों की कठपुतली मात्र बनकर रह गए और अंग्रेज़ों की पहली राजनीतिक विजय यहाँ संपन्न होती है। अब जब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हरा दिया, मजबूर कर दिया, और तो उनको हटाकर मीर जाफ़र को, जो उनका सेनापति था,
उसको बंगाल का नवाब बनाया अंग्रेज़ों ने। अब जब अंग्रेज़ों का इतना एहसान मिला तो उसको एहसान तो चुकाना पड़ेगा, उस एहसान चुकाने के चक्कर में उसने 24 परगना ज़िले की ज़मींदारी दे दी मीर जाफर ने। अब अंग्रेज़ों की डिमांड कम तो नहीं होने वाली थी, वो बढ़ती निश्चित थी। इसके कारण मीर जाफर भी उनसे परेशान हो गया और अंग्रेज़ उनसे असंतुष्ट हो गए। 1760 में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम कौन था? पूर्णिया का फौजदार। और 1762 में मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र करी। मुंगेर बिहार में है। सबसे पहले बंगाल की राजधानी ढाका में थी, जिसे मुर्शिद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करी, और अब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में ट्रांसफ़र करी, और मुंगेर में उसने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना भी की। जब अंग्रेज़ों ने इस पे भी एहसान किया तो यहाँ पे भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो इन्होंने बर्धमान, मेदिनीपुर और चटगांव BMC बर्धमान मेदिनीपुर और चटगांव की ज़मींदारी दी। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण बना एक दस्तक। दस्तक क्या होता है? एक कर मुक्त लाइसेंस। एक ऐसा प्रपत्र होता है जो अंग्रेज़ों को व्यापार हेतु छूट प्रदान करता था, लेकिन इसके दुरुपयोग के कारण बंगाल के राजकोष को काफ़ी हानि होती थी। तो नतीजा क्या निकला? 2 साल के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व तो हेक्टर मुनरो ने किया। तो अपोजिट साइड में कौन कौन था? मीर कासिम, और अभी तक जो बंगाल था अभी भी मुग़ल शासन को अपना नजराना देता था, इसलिए मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय भी इसमें शामिल हुआ। अवध का नवाब शुजाउद्दौला भी इसमें शामिल हुआ, और ये पहला वास्तविक युद्ध था जिसमें भारत की 3 बड़ी शक्तियाँ पराजित हुईं। यह युद्ध 1765 में इलाहाबाद की संधि से जाकर समाप्त होता है, जिसमें अंग्रेज़ों ने बंगाल का दीवानी अधिकार मुग़ल शासक से प्राप्त कर लिया और बंगाल पर द्वैत शासन आरंभ हुआ 1765 से, जो चलता है 1772 तक। वॉरेन हेस्टिंग्स जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं, वो इस द्वैत शासन को समाप्त करते हैं। अब द्वैत शासन क्या होता है? ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें किसी क्षेत्र की शासन व्यवस्था को 2 भागों में बांट दिया जाता है, अर्थात अधिकार कर्तव्य 2 भागों में बंट जाते हैं। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को बंगाल में दीवानी और निजामत के अधिकार मिल गए। निजामत का अधिकार मतलब पुलिस और न्यायिक कार्य, मतलब पुलिस भी उनकी, रेवेन्यू कलेक्शन उनका, जुडिशरी उनकी, और बाकी प्रशासन की व्यवस्था कौन देखेगा? बंगाल का नवाब। अब सोचिए, रेवेन्यू है नहीं, राज्य की एक पॉकेट होती है रेवेन्यू कलेक्शन, जैसे भारत की है भारत की संचित निधि। अगर वो भारत की संचित निधि ही किसी और के पास चली जाए तो प्रशासन कैसे किया जा सकता है? तो इस प्रकार से बंगाल पूरा तहस नहस होने लगा। इसीलिए जब वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने इस द्वैत शासन व्यवस्था को ख़त्म किया और संपूर्ण प्रशासन अधिकार भी स्वयं को प्रदान किया। अब बात करते हैं मैसूर राज्य की, मैसूर विजय। विजयनगर के विध्वंस पर मैसूर राज्य का उदय हुआ था, जहां वडेयार वंश का शासन था। 1761 में हैदर अली, जो एक कनिष्ठ अधिकारी था, जो अपनी योग्यता के कारण एक सेनापति बना, और बाद में इसने अपने आप को वहां का राजा घोषित करके स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। हैदर ने अंग्रेज़ों के साथ 2 युद्ध किए, जिसमें पहले में वह सामान्यतः विजयी रहा। दूसरे युद्ध में पोर्टोनोवो की लड़ाई में वह सेनापति आयरकूट के हाथों परास्त हुआ, और
इसी युद्ध में हैदर की मृत्यु हो गई। हैदर अली ने डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी फ्रांसीसी सहयोग से। इसके पश्चात टीपू सुल्तान, जिसको शेरे मैसूर भी कहा जाता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जब हैदर की मृत्यु हो गई तो इसने गद्दी संभाली और युद्ध रोकने के लिए 1784 में मैंगलोर की संधि की। 1790-92 में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आरंभ हुआ, जिसमें टीपू की हार हुई और 1792 में उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि स्वीकारनी पड़ी और अपने साम्राज्य का आधा भाग अंग्रेज़ों, मराठों और हैदराबाद के निज़ामों को देना पड़ा। 1799 में अंतिम फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होता है, जब टीपू ने लॉर्ड वेलेसली की सहायक संधि को मानने से मना कर दिया। तो इस युद्ध में श्रीरंगपट्टनम के किले में लड़ते हुए टीपू की मृत्यु हो गई, टीपू शहीद हो गए। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति पर संगठित करने का प्रयास किया और साथ ही व्यापार के विकास के लिए अपने दूत भी विदेशों में भेजे। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी उससे अत्यधिक प्रभावित था, इसलिए वह जैकोबियन क्लब का भी मेंबर बना। उसने श्रीरंगपट्टनम के किले में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू सुल्तान एक ऐसा प्रथम भारतीय शासक था जिसने युद्ध में रॉकेट का यूज़ किया, प्रथम भारतीय शासक जिसने आधुनिक पाश्चात्य शासन व्यवस्था को भारत में लागू करने का प्रयास किया और इसी संदर्भ में उसने नई मुद्रा प्रणाली और नया कैलेंडर भी अपनाया। और इसने एक स्टेटमेंट आता है, मराठों द्वारा क्षतिग्रस्त शारदा देवी के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए टीपू सुल्तान ने आर्थिक मदद भी की। अब सर्वोच्चता हेतु आंग्ल मराठा संघर्ष को देखते हैं। तो मराठा की 5 शाखाएं थीं, जिसमें गायकवाड़ बड़ौदा में, भोंसले नागपुर में और होलकर इंदौर में, सिंधिया ग्वालियर में और पेशवा पूना में शासन था इनका। तो मुख्यतः जब हम मराठों की बात करते हैं तो पेशवाओं में सबसे पहले जाते हैं बालाजी विश्वनाथ में। तो शिवाजी द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था में अष्टप्रधान में प्रधानमंत्री जैसा यह अधिकारी होता है पेशवा। इसी क्रम में बालाजी विश्वनाथ 7वें पेशवा थे, किंतु पेशवा को केंद्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने का श्रेय सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ को जाता है। और दिल्ली की गद्दी के संघर्ष में इसने सैयद बंधुओं का साथ दिया और मुगल शासक से संधि करके मराठों को अधिक अधिकार दिलाया और साहू को मुगलों की कैद से रिहा करवाया, और इस संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसके बाद जो शासक हुए, जो पेशवा हुए, बाजीराव प्रथम उनका नाम था, रणवीर सिंह की मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, तो वही बाजीराव प्रथम। 1720 से 1740 तक का इनका पेशवा काल था। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध में सर्वाधिक कुशल व्यक्ति थे। हिंदू पद पातशाही के आदर्श का प्रचार इन्होंने किया और मस्तानी बाई नामक युवती से इनका संबंध था। बाजीराव प्रथम के बाद आते हैं बालाजी बाजीराव, जिनका नाम नाना साहेब भी है, 1740 से 1761। इन्होंने अपनी राजधानी सतारा से पूना स्थानांतरित करी। इन्होंने हिंदू पद पातशाही के आदर्श का उल्लंघन किया और दिल्ली की राजनीति में इन्होंने हस्तक्षेप करना आरंभ किया। यहाँ तक कि पंजाब में जो अहमद शाह अब्दाली का प्रतिनिधि था उसको भी इन्होंने हटाकर अपने प्रतिनिधि को वहाँ नियुक्त किया। इसके कारण अहमद शाह अब्दाली नाराज हो गया और यही आगे चल के पानीपत तृतीय युद्ध का कारण बनती है 1761 में। तो पानीपत तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव कर रहा था। इस युद्ध में मराठों की हार होती है और वो बड़ी संख्या में शहीद होते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद पेशवा माधवराव के नेतृत्व में मराठा शक्ति पुनः उठ खड़ी हुई और पुनः पेशवा शक्ति
मजबूत हो जाती है और वो हैदर अली को भी दो बार हराते हैं। लेकिन उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद माधव राव का भाई रघुनाथ राव सत्ता प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है और माधव राव के पुत्र नारायण राव की वह हत्या कर देता है। किंतु नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया ने नारायण राव माधव राव जो नारायण माधव राव का नाती था उसको पेशवा घोषित कर दिया। रघुनाथ राव इसके विरोध में अंग्रेज़ों के पास मदद के लिए चला गया और 1775 में सूरत की संधि की। इस सूरत की संधि के कारण ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 में होता है उसका कारण बनती है ये संधि। और महादजी सिंधिया के प्रयासों से 1782 में सलवाई की संधि होती है जिससे इस युद्ध को रोका जाता है। इसके पश्चात नारायण राव माधव राव के बाद बाजीराव द्वितीय एक पेशवा बनते हैं जिनके पेशवा काल में महादजी सिंधिया सर्वशक्तिशाली नेता बनकर उभरते हैं और वो भगोड़े मुगल शासक शाह आलम को पुनः गद्दी पर भी बैठाते हैं। तो 1802 में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों के साथ बसीन की संधि करी जो एक सहायक संधि का ही प्रारूप थी और यही संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनती है। अगर मराठों द्वारा सहायक संधि अपनाने का क्रम पूछा जाता है तो सबसे पहले पेशवाओं ने सहायक संधि अपनाई स्वीकारी, पेशवाओं के बाद भोंसले ने इसको स्वीकारा, फिर सिंधिया ने स्वीकारा, उसके बाद होलकर ने स्वीकारा। अठारह सौ सत्रह उन्नीस में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा जाता है और इस युद्ध की शुरुआत अंग्रेज़ों ने पिंडारियों के दमन को लेकर की। सलमान खान की एक मूवी आई थी जिसमें वो पिंडारी बना था, नाम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वस्तुतः ये पिंडारी मराठा सेना में अवैतनिक सैनिक की तरह से थे जिनको सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन युद्ध में विजयी होने के पश्चात उस क्षेत्र में वो लूटपाट कर सकते थे और वहाँ से वो उनको जितना भी कलेक्शन होता था वो उनकी इनकम होती थी। अब हम ये जानते हैं कि मराठा शक्ति की पराजय के क्या कारण हैं। छत्रपति शिवाजी ने जिस मराठा शक्ति की स्थापना की और बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव जैसे पेशवाओं ने इसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, लेकिन फिर भी मराठा शक्ति दो शताब्दियों तक कायम नहीं रह पाई, तो वो क्या कारण थे? तो सबसे पहला था योग्य नेतृत्व का अभाव। किसी भी साम्राज्य शक्ति को विस्तार प्रदान करने के लिए और स्थायित्व लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके पास एक योग्य नेतृत्व हो, लेकिन महादजी सिंधिया, पेशवा माधव राव, अहिल्याबाई होलकर, तुकोजी, इन सब की मृत्यु के पश्चात पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलत राव सिंधिया, यशवंत राव होलकर जैसे कुछ अदूरदर्शी अयोग्य स्वार्थी नेता मराठाओं के सरदार बने जिन्होंने मराठाओं को सही राह नहीं दिखा पाई। दूसरा कारण है परस्पर विश्वास का अभाव और महत्वाकांक्षा। मराठा राज्य भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, कालांतर में उनमें पारस्परिक अविश्वास और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की भावना घर कर गई जिसके कारण उनका कई राज्यों में विभाजन हो गया। तीसरा है दोषपूर्ण आर्थिक संगठन। किसी ठोस अर्थनीति के अभाव में आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाना कठिन होता है। बिना फाइनेंस के कोई भी राष्ट्र का राजनीतिक उत्थान नहीं हो सकता और ना ही डेवलपमेंट हो सकता है, तो आर्थिक संगठन इनका दोषपूर्ण था। चौथा था विकेंद्रीकरण। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठों में जागीर की प्रथा फिर से आरंभ हो गई, मराठा सरदार निरंतर संघर्षरत रहने लगे और वो आपस में भी इतने ज़्यादा कलह में उलझ गए और आपसी प्रतिस्पर्धा करने लगे कि अपने साम्राज्य
का विस्तार करने लगे। मराठाओं में एकता नहीं रही, आर्थिक विषमता इसका अगला कारण है। मराठाओं की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वो कभी भी आर्थिक विकास की ओर ध्यान नहीं केंद्रित करते थे, जबकि आर्थिक संकट उत्पन्न होने पर उनका एक ही फंडा था कि अगल बगल के राज्यों में लूटपाट करो। और ऐसी सरकार जो लूटपाट करने पे को मुख्य फोकस रखती है, उसे ना तो जनता से सहानुभूति मिलती है, ना ही उससे सहयोग मिलता है। और इनकी दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था थी, मतलब उनके सैनिकों को रेगुलर पेमेंट मिलता नहीं था। अपनी प्राचीन सैन्य प्रणाली और छापामार रणनीति को उन्होंने त्याग दिया और उन्होंने नकल करी यूरोपीय सैनिकों की। यूरोपीय आधार पर वैज्ञानिक संगठन बनाने में भी उन्होंने पूर्णतः वो असमर्थ रहे। तो घर का कुत्ता न क्या है वो कहावत, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसके बाद अगला कारण है उग्र राष्ट्रीयता का अभाव। मराठों में आपसी वैमनस्य, कलह और ईर्ष्या देश के कारण एकता का सर्वाधिक अभाव था। इनमें उग्र राष्ट्रीयता का अभाव था। किसी को भी भारतवर्ष की नहीं पड़ी हुई थी, वो हिंदू और मुस्लिम की भी नहीं पड़ी थी। आपस में भी लड़ते थे, धार्मिक भावना के आधार पर भी लड़ते थे। आत्मनिर्भरता का अभाव था। मराठा सरदार साधारणतः अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर होते थे। इसी आत्मनिर्भरता की कमी के कारण बहुत ही कम चंद अंग्रेज़ों के साथ मराठों को युद्ध करने के बाद हारना पड़ा। मुख्यतः फ्रांसीसियों पर वो सर्वाधिक विश्वास करते थे, लेकिन फ्रांसीसी भी हर मौके पे उन्हें पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं करते थे। वहीं एक कारक अंग्रेज शक्ति की श्रेष्ठता और उनकी सुगठित गुप्तचर व्यवस्था भी थी। अंग्रेज मराठों से कूटनीतिक, सैन्य शक्ति और राजनीतिक चालों में श्रेष्ठ थे। अंग्रेज मराठों से कूटनीतिक दृष्टि से कहीं आगे थे। जो कंपनी के गुप्तचर थे वो मराठा सैन्य शक्ति और उनके आपसी घरेलू कलह, आपसी संबंधों की जानकारी अधिकारियों तक पहुँचा देते थे, जबकि इसके विपरीत मराठा अंग्रेज़ों की गतिविधियों से पूर्णतः अनभिज्ञ रहते थे। तो इस प्रकार ये वो कारण हैं जिसके कारण मराठा साम्राज्य का पतन हुआ, मराठा हारे। अब बात करते हैं सिंध विजय की। 18वीं शताब्दी में तालपुर के अमीरों के शासन से पूर्व सिंध पर काल्लोरा के सरदारों का शासन था। 1783 में तालपुर जनजाति ने मीर फतेह अली खान के नेतृत्व में सिंध पर पूर्ण अधिकार जमा लिया और उनका जो राजकुमार, उनका पुत्र था काल्लोरा राजकुमार को देश निकाला दे दिया। अंग्रेज़ों के लिए सिंध दो कारणों से बहुत महत्वपूर्ण था। पहला, एक तो फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो भी अपना स्थायित्व बनाना चाहती थी भारत में, और दूसरा कारण था रशियन इन्वेजन। जून 1807 में रूस के अलेक्जेंडर प्रथम के साथ तिलसित की संधि में नेपोलियन बोनापार्ट शामिल हुआ, और इस संधि की एक शर्त थी कि सड़क या भूमार्ग से भारत में संयुक्त हमला किया जाएगा। इस संधि को सुन के अंग्रेज़ों के कान खड़े हो गए और उनकी पहली कोशिश ये थी कि ब्रिटिश भारत और रूस के बीच कोई बाधा उत्पन्न की जाए। तो इसके लिए लॉर्ड मिंटो ने विभिन्न व्यक्तियों को संधि के लिए भेजा, जिसमें मेटकॉफ को लाहौर भेजा, एल्फिस्टन को काबुल और मेलकाम को तेहरान भेजा गया। बातचीत के पश्चात अमीर जो वहाँ के थे अंग्रेज़ों के साथ संधि करने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने शाश्वत मित्रता की संधि करी और दोनों पक्ष सिंध से फ्रांसीसियों को बाहर करने, एक दूसरे के दरबार में एजेंट भेजने पर सहमत हुए। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 में भारत में गवर्नर जनरल बनकर भारत आए और भारत को रूस के आक्रमण से बचाने के लिए और अफगान पर प्रतिक्रियाबद्ध प्रभाव हासिल करने के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सिंध को
अपना टारगेट बनाया और जो सिंध के अमीर थे उनसे एक संधि करने का प्रस्ताव रखा और इसमें यह शर्त रखी कि कंपनी की सेना राजधानी में अमीरों के खर्च पर रखी जाएगी और वैकल्पिक रूप से अंग्रेज़ों को बदले में उचित रियायत दी जाएगी। तो स्टार्टिंग में अमीरों ने तो इस संधि को नकार दिया, लेकिन 1838 में चूँकि उन्हें खतरा था रणजीत सिंह का पंजाब से, तो उनके डर के कारण 1838 में उन्होंने इस संधि को स्वीकार लिया। इस प्रकार से 1838 में सिंध एक ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र बन गया। 1839 में सिंध ने सहायक संधि स्वीकार करी। कंपनी ने अमीरों को उन्हें धन देने के लिए मनाया या बाध्य किया। 1832 की जो संधि की थी उस अनुच्छेद के अनुमोदन के लिए उन्हें मनाया और उसमें क्लॉज ये था कि स्थल मार्ग या जल मार्ग द्वारा सिंध में अंग्रेज सैनिकों के आवागमन का निषेध है। तो इस पर बी एल ग्रोवर लिखते हैं कि महाशक्तियों के भय से अमीरों ने फरवरी 1839 को संधि स्वीकार की और इसके अंतर्गत ब्रिटिश सहायक बल को शिकारपुर और बक्कर में जगह दी गई। सिंध के अमीरों द्वारा कंपनी की सेना के प्रबंधन हेतु वार्षिक तौर पर 3 लाख रुपए अदा किए जाते थे। तो इस प्रकार से ये सहायक संधि इन्होंने स्वीकारी। इसके बाद 1843 में गवर्नर जनरल एलन बैरो ने सिंध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया और यहाँ का पहला गवर्नर नियुक्त किया चार्ल्स नेपियर को। कुछ इतिहासकार सिंध विजय की आलोचना इस प्रकार करते हैं कि सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की स्थितियाँ और कारणों को जानबूझकर तैयार किया गया था। प्रथम अफगान युद्ध के उदाहरण के तौर पर अंग्रेज़ निरंतर सम्मान की हानि समेत अफगानों से बुरी तरह से भयभीत और पीड़ित थे। इसी की क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्होंने सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इसी कारण से गवर्नर जनरल एरल वैरो को एक उपाधि मिली जिसमें उसको नाम दिया गया ओल्ड मैन इन हरी। अब बात करते हैं पंजाब विजय की। तो गुरु नानक जी द्वारा सिख धर्म की स्थापना के बाद महाराणा रणजीत सिंह ने पंजाब को एक स्वतंत्र सिख राज्य के रूप में स्थापित किया। मुगल शासक फर्रुखसियर द्वारा सन 1716 में बंदा बहादुर को पराजित किया गया। खालसा पंथ को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, एक था बुढ़ा दल जिसमें वृद्धों का दल था और दूसरा था तरुण दल जो युवाओं का दल था। पहले सिखों का सांगठनिक आधार 12 मिसलों में विभाजित था जिसमें रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से थे। रणजीत सिंह ने सबसे पहले लाहौर को जीता, फिर उन्होंने अमृतसर, मुल्तान, पेशावर और कश्मीर को जीता और उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने अफगान शाह जवान शाह की तोपे वापस करके रणजीत सिंह ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन किया। उनके विक्टर जाकमा नामक इतिहासकार ने उनको भारत का नेपोलियन कहा। इन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में स्वर्ण कलश चढ़वाए। 1809 में अंग्रेज़ों के साथ अमृतसर की संधि इन्होंने स्वीकारी जो अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता स्वीकारने जैसा ही था। रणजीत सिंह के बाद सिख शक्ति का पतन होने लगा और 2 आंग्ल सिख युद्धों के द्वारा पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे और पंजाब की हार का कारण उनके वजीर लाल सिंह का विश्वासघात बना। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 में हुआ। इस समय लॉर्ड डलहौजी था गवर्नर जनरल जिसने युद्ध के पश्चात पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अब बात करते हैं ब्रिटिश प्रभुता का प्रशासनिक नीति द्वारा विस्तार। वो कौन कौन सी नीतियाँ थीं प्रशासनिक जिनके आधार पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता का विस्तार किया गया। तो
दो तरफा पद्धति इसमें अपनाई गई, एक थी विजय और युद्ध द्वारा समामेलन की नीति और दूसरी थी कूटनीतिक एवं प्रशासनिक तंत्र द्वारा समामेलन की नीति। तो इसमें सबसे पहली पॉलिसी है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, घेरे की नीति। ये वॉरेन हेस्टिंग्स के दौर में इसे लाया गया। जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए तो उनका उद्देश्य था बफर जोन बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना। इन्होंने यह नीति मराठा और मैसूर के साथ उसके युद्ध में प्रतिबिंबित हुई और रिंग फेंस के भीतर शामिल किए गए राज्यों को उनके स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमणों के विरुद्ध सैन्य मदद देने का भरोसा दिया गया। अर्थात इसमें यह कहा गया कि अपनी सुरक्षा के लिए पड़ोसी राज्य की सीमाओं को भी आप रक्षा करो, उन्हें अपनी सेनाएं किराए पर दो। अर्थात ये अगर आपका राज्य है तो आसपास के राज्यों को अपनी सेनाओं से सुरक्षित करो, अपनी सेनाओं को किराए पर दो। इसके बाद आती है लॉर्ड बेलेजली की सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि। ये वास्तव में जो रिंग फेंस व्यवस्था था उसी का विस्तार है। एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसे 1798 से 1805 में भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेजली ने स्थापित किया, प्रयोग में लाया। इस संधि के प्रयोग से भारत में अंग्रेजी सत्ता की सर्वश्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का जो भय था वो भी टल गया। यद्यपि वेलेजली इस संस्था का, इस पॉलिसी का आविष्कारक नहीं था, इसको सबसे पहले भारत में अप्लाई करने वाला फ्रांसीसी गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले। कालांतर में वेलेजली ने इसके व्यापक रूप को अपनाया। इस संधि के क्या क्या विशेषताएं थीं? इसमें था कि भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे और वो कोई भी युद्ध नहीं करेंगे, अन्य राज्यों से विचार विमर्श सिर्फ कंपनी करेगी। जो बड़े राज्य हैं वो अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखेंगे जिसकी कमान अंग्रेज अधिकारी के हाथ में होगी और ये राज्य उस सेना का खर्च उठाएंगे। राज्यों को अपनी राजधानी में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होगा। राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। कंपनी राज्य की शत्रुओं से रक्षा करेगी और कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये जो लास्ट क्लॉज है इसका कंपनी ने किसी भी तरीके से पालन नहीं किया और जिस राज्य ने भी इसको स्वीकारा वह अर्थात उनके फॉरेन रिलेशन, उनकी होम सिक्योरिटी, वो सारा सारा कंपनी के हाथों में चली गई। सबसे पहले ये संधि 1798 में हैदराबाद के निजाम ने स्वीकारी, उसके बाद 1799 में मैसूर ने, 1801 में अवध ने, पेशवा ने 1801 में, भोंसले जो बरार के भोंसले थे उन्होंने 1803 में इसको स्वीकारा, 1804 में सिंधिया ने स्वीकारा, 1818 में जोधपुर ने स्वीकारा, 1818 में जयपुर में भी स्वीकारा। जो क्वेश्चन प्री में उठता है वो इस अनुसार से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित राज्यों को सहायक संधि स्वीकारने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको ये सन, इसकी जो ईयर है वो याद होनी चाहिए। इसके बाद आती है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात व्यपगत का सिद्धांत। 1848 से 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को अपनाया। डलहौजी के अनुसार भारत में तीन प्रकार की रियासतें थीं। एक वो रियासत जो कभी सर्वोच्च सत्ता के अधीन नहीं थी और कर अदा नहीं करती थी, दूसरा वो रियासत जो कभी मुगलों या मराठों के अधीन थी और अब अंग्रेज़ों के अधीन है, तीसरी वो रियासत जो अंग्रेज़ों द्वारा जीवित या पुनर्स्थापित की गई थी। इस प्रकार डलहौजी ने ऐसी सभी रियासतों को
अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया जो उसके अधीन नहीं थी। इसे स्वीकारने के क्रम में सतारा ने सबसे पहले इसको स्वीकारा 1848 में, संबलपुर 1849, बगाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और अंत में अवध को भी इसमें मिलाया गया। अवध को कुशासन के आरोप में 1856 में अधिग्रहित किया गया। अब बात करते हैं ब्रिटिश भारत का सीमावर्ती देशों के साथ संबंध। सबसे पहले पढ़ते हैं आंग्ल नेपाल संबंध के बारे में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है संगोली की संधि जो 1816 में की गई। इस संधि से अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। नेपाल अंग्रेज़ों का मित्र राज्य बन गया और अंग्रेज़ों को वहाँ से भारी मात्रा में गोरखा सैनिक प्राप्त हुए। इसी संधि के पश्चात शिमला, मसूरी, नैनीताल भी अंग्रेज़ों को प्राप्त हुए। अब अंग्रेज़ों को मध्य एशिया में अभियान के लिए सुगम मार्ग भी उपलब्ध हो गया था। इसके बाद आता है आंग्ल वर्मा संबंध। तो 19वीं सदी के आरंभ में वर्मा एक स्वतंत्र देश था। वर्मा अंग्रेज़ों के लिए खतरा साबित हो सकता था। साथ ही 1817 और 18 में वर्मा के सैनिक अभियान के कारण असम में खतरा उत्पन्न हुआ। लेकिन वहाँ के लोगों के द्वारा जो वर्मा की सेना थी उसको पराजित किया गया। तत्काल रूप से तो ये खतरा टल गया था, लेकिन 1823 में बर्मियों ने कंपनी के द्वीप शाहपुरी पर आक्रमण करके असम की सीमा पर उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। ऐसी परिस्थिति में आंग्ल वर्मा युद्ध का सूत्रपात हुआ। पहला आंग्ल वर्मा युद्ध 1823 से 1824 के बीच में लड़ा गया और दूसरा 1852 में लड़ा गया। तीसरा युद्ध जो अंतिम युद्ध था वो 1885 में लड़ा गया। जब पहला आंग्ल वर्मा युद्ध 1824-26 में स्टार्ट हुआ तो 1826 में जब अंग्रेज सेना वर्मा की राजधानी यादम्बू से सिर्फ 60 मील दूर रह गई तब बर्मियों ने संधि का प्रस्ताव भेजा। इस संधि का नाम दिया गया यादम्बू की संधि। ये 24 फरवरी 1826 में हुई थी। इससे अंग्रेज़ों को बहुत सारा लाभ हुआ। नॉर्थ ईस्ट में पर्याप्त भूमि प्राप्त हुई। अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। ब्रिटिश सरकार लॉर्ड एमहर्स्ट के इस प्रयास से बहुत ही प्रसन्न हुई। एमहर्स्ट को उन्होंने अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि भी दी। इसके बाद सेकेंड एंग्लो वर्मा युद्ध हुआ 1852 में। बर्मा का जो नया शासक था वो यादम्बू की संधि की जो शर्तें थीं उनको अपमानजनक मानते हुए उसने पालन करने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में दूसरा आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। दोनों पक्षों के बीच किसी संधि के बिना ही युद्ध यह समाप्त हो गया। इस युद्ध का मुख्य कारण डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति और पूर्व में अंग्रेज़ों के सम्मान की सुरक्षा की मुख्य भावना थी। तीसरे आंग्ल वर्मा युद्ध की बात करें जो 1885 में हुआ तो इसके लिए बर्मा के राजा भिंडन की मृत्यु होने के बाद इनका पुत्र धीबो शासक बना। ये अंग्रेज़ों को मित्र नहीं मानता था। लॉर्ड डफरिन ने वर्मा के शासक के पास मांडले में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखने की जब मांग करी तो उसने इन मांगों को अस्वीकृत कर दिया। इसी के कारण तीसरा आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। तो इस तीसरे आंग्ल वर्मा युद्ध के कारण स्वतंत्र वर्मा का भाग्य का अंत हो गया और अब संपूर्ण वर्मा अंग्रेज़ों के आधिपत्य में आ गया और अंग्रेजी सीमाओं की साम्राज्य की सीमा अब चीन तक फैल गई और वर्मा के लिए अंग्रेज़ों ने एक उपराज्यपाल नियुक्त किया और संपूर्ण वर्मा की राजधानी रंगून को बनाया। अब आंग्ल तिब्बत संबंध को देखते हैं तो इसमें 1885-86 में चीन की सरकार ने एक ब्रिटिश व्यापार मंडल को तिब्बत आने की आज्ञा दी। यहीं से तिब्बत में अंग्रेज़ों की घुसपैठ आरंभ होती है। लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात के लिए पत्र लिखा
उसे तिब्बत में सैन्य अभियान के लिए अनुमति प्रदान की जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसकी सिफारिशों को अस्वीकृत कर दिया। यूरोप में जर्मनी की बढ़ती शक्ति से घबराया हुआ इंग्लैंड और रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता था, इसलिए कर्जन को तिब्बत अभियान की अनुमति नहीं दी। ब्रिटिश सरकार की मजबूरियों को जानने के बाद कर्जन ने सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा कि तिब्बत में रूसी प्रभाव को कम करने के लिए वहाँ एक जगह है खांबाजोग, वहाँ पर चीनी प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की जाए। इस वार्तालाप के कारण लॉर्ड कर्जन तिब्बत में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने बाहरी मन से कर्जन के इस वार्तालाप के जो यह प्रस्ताव था उसको स्वीकृति प्रदान कर दी। कर्जन की को जैसे ही परमिशन मिली, उसने यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक अभियान भेजा एक खांबाजोंग में। यहाँ चीनी प्रतिनिधिमंडल भी वार्तालाप के लिए निर्धारित स्थल पर यथासमय पहुँचा, लेकिन तिब्बती प्रतिनिधियों ने वार्ता करने से इनकार कर दिया। जब तक अंग्रेजी मिशन तिब्बती सेना से बाहर जा पाता, इसी बीच तिब्बती सेना खांबाजोंग के निकट प्रदेशों में एकत्रित होने लगी। कर्जन को यही एक बहाना चाहिए था। ऐसे में तिब्बती सेना ने गुरु नामक स्थल पर अंग्रेजी सेना को रोकने का प्रयास किया, किंतु अंग्रेजी सेना ने तिब्बती सेना को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। इस पराजय के बावजूद वहाँ जो दलाई लामा थे अंग्रेज़ों के साथ संधि के लिए तैयार नहीं हुए। अब ब्रिटिश सरकार की अनुमति से अंग्रेजी सेना ने तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर अभियान किया। 1904 में अंग्रेजी सेना ने ल्हासा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भाग गए। अंततः 7 सितंबर 1904 को अंग्रेज़ों ने दलाई लामा के प्रतिनिधि के साथ ल्हासा की संधि करी और आंग्ल तिब्बत युद्ध समाप्त हो गया। अब पढ़ते हैं आंग्ल अफगान संबंध। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में रूस तेजी से पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा था और ब्रिटिश भारत के नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान राज्य अवस्थित था। धीरे धीरे अफगानिस्तान और फारस की सीमा तक रूस पहुंच गया, तो इस स्थिति में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा बनने लगा। ऐसे में अंग्रेज़ों ने दो प्रकार की नीतियां अपनाई, पहली थी अग्रगामी विचारधारा, दूसरी थी कुशल अक्रियता। तो ऑकलैंड की अफगान नीति पे जाने से पहले तात्कालिक परिस्थितियों को समझना होगा। देखिए, सिंध, चाहे वो तिब्बत हो, नेपाल हो और या फिर अफगान हो, सभी जगह एक खतरा आपने हर एक जगह पढ़ा है, रूस के इन्वेजन का खतरा। तो ऑकलैंड की जो अफगान नीति है वो रूस के इन्वेजन के ही आधार पर उसी को रोकने के लिए बनी उसने। लेकिन जो इसकी अफगान नीति थी ये बहुत ही दोषपूर्ण थी, इसके कारण अंग्रेज़ों को हर तरीके से घाटे का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद ने जब उसके पास अंग्रेज़ों के पास मित्रता का लेटर भेजा तो रणजीत सिंह से पेशावर वापस दिलाने का अनुरोध भी किया दोस्त मोहम्मद अमीर ने। उस वक्त ऑकलैंड ने ये कह दिया कि स्वतंत्र राज्यों के आंतरिक मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं और अंग्रेज़ों की ऐसी नीति नहीं है, हम बहुत ईमानदार हैं। लेकिन बाद में उसने अपने वक्तव्य को ही झूठा साबित करते हुए अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। तो पहला आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से आरंभ होता है और 1842 तक चलता है। युद्ध की शुरुआत ऑकलैंड के समय ही होती है, लेकिन जब समाप्त होता है तो इस वक्त गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड एलन बैरो। 1826 ईस्वी से अफगानिस्तान में शाह शुजा को हटाकर दोस्त मोहम्मद का शासन स्थापित किया गया।
रणजीत सिंह ने 1823 में पेशावर को जीत लिया, जिससे सिख राज्य अफगानिस्तान के लिए एक खतरा बन गया। उधर अब्दाली वंशज शाह शुजा भी अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयासरत था। लॉर्ड ऑकलैंड ने शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी दिलाने के लिए रणजीत सिंह के साथ मिलकर जून 1836 में एक त्रिदलीय संधि करी और 1839 में अंग्रेजी सेना ने सिंध के मार्ग से अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। इस सेना को सिंध की सेना कहा गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि दोस्त मोहम्मद ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे बंदी बनाकर कलकत्ता भेज दिया गया और शाह शुजा को सिंहासन पर बिठा दिया गया। 1862 से 1872 ईस्वी तक भारत सरकार ने अफगानिस्तान के प्रति तटस्थता की नीति का पालन किया। इससे अफगानिस्तान अंग्रेज़ों से नाराज हो गया। 1876 में लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय बन के भारत में आते हैं और इन्होंने अपनी लिटन की एक अफ़गान नीति अपनी अलग चलाई, जिस नीति में इन्होंने भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा निश्चित और स्पष्ट विदेश नीति को क्रियान्वित किया। 1876 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे डिज़रेली ने ही इनको भारत का वायसराय नियुक्त किया था। तो डिज़रेली अफगानिस्तान के साथ संबंधों को अनिश्चितता बनाए रखने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उसने लिटन को भारत में ये स्पष्ट आदेश दिया कि वो अफगानिस्तान के अमीर के साथ निश्चित समानांतर और व्यवहारिक संधि स्थापित करे। इसी आदेश के कारण लिटन ने अफगानिस्तान के अमीर से ये मांग करी कि आप अपने यहाँ ब्रिटिश रेजिडेंट रखिए, लेकिन अफगानिस्तान के अमीर ने अनेक कारणों से ब्रिटिश रेजिडेंट को रखने के से मना कर दिया। अंततः लॉर्ड लिटन को अफगानिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा और यही युद्ध सेकेंड एंग्लो अफगान वार था, जो कि गंडमक की संधि के साथ समाप्त होता है। ये मई 1869 में गंडमक की संधि होती है अंग्रेज और याकूब खां के बीच। किस चीज़ को लेकर लड़ाई हुई थी? ब्रिटिश रेजिडेंट को रखने के लिए। तो संधि में ये मान लिया जाता है कि हम ब्रिटिश रेजिडेंट रखेंगे और गंडमक में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाता है, एक हेरात प्रांत में रखा जाता है और अन्य सीमावर्ती नगरों में भी अंग्रेजी प्रतिनिधि को रखना स्वीकार किया जाता है। 1884 ईस्वी में जब रूस ने अफगानिस्तान की सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया, तब ब्रिटिश सरकार चिंतित हो गई। ब्रिटिश सरकार अब इस बात के लिए प्रयत्नशील हो गई कि रूस और अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण किया जाए, लेकिन रूस और अफगानिस्तान के बीच निश्चित सीमा के निर्धारण के क्रम में दोनों पक्षों के बीच एक पंचदेह नामक जमीन जगह है, उस मामले को लेकर युद्ध का माहौल उत्पन्न हो गया। इसलिए इस स्थिति में अंग्रेज़ों और रूस के बीच युद्ध का संकट उत्पन्न हो गया और अंग्रेज़ों का संरक्षण मिला हुआ था वहाँ के अब्दुल रहमान को, लेकिन वो बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान वाला था और यहाँ पे भी लॉर्ड डफरिन की दूरदर्शिता थी, जिसके कारण यह संकट टल गया। तो अब्दुल रहमान ने यह घोषणा की कि पंचदेह नामक यह अफगानिस्तान का हिस्सा है या नहीं उसको नहीं पता, लेकिन अगर पंचदेह की क्षतिपूर्ति किसी अन्य क्षेत्र से कर दी जाए तो वो पंचदेह पर अपना अधिकार छोड़ सकता है। पंचदेह के मामले को लेकर उत्पन्न संकट का माहौल 1887 के समझौते से टला। इस स्थिति में भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त आर्थिक दबाव सहन किया गया और देसी रियासतों के शासकों के साथ मिलकर अंग्रेजी सरकार ने एक इम्पीरियल सर्विस ट्रूप्स की स्थापना की, जिसको यहाँ पे नियुक्त किया गया। इसी क्रम में एक ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का सीमांकन किया गया, जिसे ड्यूरंड लाइन कहा गया। यह ड्यूरंड लाइन आज के टाइम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। यह 1893 में हुआ था। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।